जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले और करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ मिले, लेकिन डियर, इतना सब कुछ पाने के लिए आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव रहना होगा। आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको हर समय सकारात्मक रहना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आ सकेंगी। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, हर घड़ी दुख से भरे रहेंगे, तो आप वही मैनिफेस्ट करेंगे। जैसा आप सोचेंगे आप उसी को मैनिफेस्ट करेंगे, और वही आपके जीवन में एक दिन घटने लगेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? चलिए जानते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, अब जिनके बारे में सोच रहे हैं, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज कर लीजिए। ऑप्शन चूज करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और एक ऑप्शन चूज कर लेना है जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद अपनी रीडिंग देखनी है। अब देखिए, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया था वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, उसमें बताई गई कंडीशन सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, आपसे मैच नहीं हो रही है, तो आप ना दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करिए, उसको सुनिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो डियर, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, आपकी पर्सनल रीडिंग तो नहीं है। इसमें कितने सारे हजारों लोगों की एनर्जी होती है और हजारों लोग एक जैसी सिचुएशन में तो नहीं होते, तो समझदारी बनाकर रखनी चाहिए ना। कुछ लोग होते हैं पता नहीं, उनका दिमाग नहीं काम करता, शायद लिख के चले जाते हैं कि मुझे मैच नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हमने पर्सनली इनके लिए ही रीडिंग की है। अरे, आपकी पर्सनल रीडिंग थोड़ी है, इतना सेंस तो लगाना चाहिए ना इंसान को। हमने आपके नाम से रीडिंग थोड़ी की है, फिर भी हम इतना खुश किस्मत समझते खुद को कि इतने सारे लोगों से हमारी रीडिंग मैच होती है, रेजोनेट होती है और साथ साथ उन्हें कोई ना कोई गाइडेंस मिलती है। तो कोई बात नहीं, हमें उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है जो नेगेटिव है। हम उनसे बहुत खुश हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, क्योंकि वो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप बहुत पॉजिटिव होंगे और आप मेडिटेशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तभी आपके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है। और अगर आप नेगेटिव रहते हैं, 24 घंटे अपने दुख का रोना रोते रहते हैं, तो आप उसी दुख को मैनिफेस्ट करते हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, ये एक बीज के जैसे होते हैं, सीड, बीज जैसे। जैसे कि हमने एक बीज बोया लेकिन वो हजार गुना ज़्यादा होकर हमें मिलता है, ऐसा ही हमारे विचारों के साथ होता है। जैसा हम सोचते हैं ना, उसी को हम बो रहे होते हैं, और जिसे हमने बोया है वो काटना भी हमें ही पड़ेगा। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है? तो डियर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो ये बताने से पहले हमें रिश्वत चाहिए। चलिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से ढेर सारी रिश्वत दे दीजिए। उसके बाद हम बताते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा। दे दी रिश्वत? अब देखिए, चलिए, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा, तो हम सबसे पहले उन लोगों से बता देते हैं जो लोग सेपरेट हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है किसी भी सिचुएशन की वजह से, जो भी है, और वो लोग आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, तो वो ये पाइल नंबर 1 ना देखें, क्योंकि ये आपसे रेजोनेट नहीं होगा। अगर आप सेपरेट हैं, ये उनके लिए है जिनका रिलेशनशिप इस वक्त बहुत पॉजिटिव है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले हम बात कहें तो ये जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, इनका जो कनेक्शन है ना, इनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है जो आज का नहीं है, अनंत जन्मों का है।
आपको क्या लगता है, आप आज मिले हैं, अभी मिले हैं, आप अभी से एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, आप कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ना आपका, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप सोल मेट जर्नी में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन जो लोग अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं ना, जिनके रिश्ते में बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा पेन है, तकलीफ है, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, हम अभी से बता रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, ये आपको लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इतना ज़्यादा कि ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं ये आपके लिए, इतना प्यार करते हैं आपको। अभी इनकी कंडीशन ये है कि ये दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और आपके साथ बिताए हुए हर एक पल के बारे में सोच रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये सोच रहे हैं कि कैसे भी ये आपको कमिटमेंट देंगी, कैसे भी, अगर कोई मानता है तो भी और नहीं मानता है तो भी, क्योंकि हमें यहाँ पर आप दोनों के दरमियान एक तो फैमिली इशू नज़र आ रहा है, दूसरा हमें लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी नज़र आ रहा है, और तीसरा हमें आप दोनों के दरमियान रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू भी नज़र आ रहा है। सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, और वो हर घड़ी ये महसूस करते हैं कि ये जो कनेक्शन है ना, ये अभी का तो नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी डोर है, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो मुझे इसकी तरफ खींचता है, बहुत ज़्यादा खींचता है, समझ रहे हैं? अट्रैक्ट होते आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप दोनों में कभी नाराज़गी हो जाए, तो ये कहना चाहते हैं कि सुनो, तुम कभी नाराज़ हुए तो हम झुक जाएंगे, सुनो, तुम कभी नाराज़ हुए तो हम झुक जाएंगे, और अगर हम कभी नाराज़ हों तो बस आप गले से लगा लेना, सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। और ये आपसे इस कदर प्यार करते हैं कि आपके लिए ये झुकने के लिए भी तैयार हैं। वैसे कभी झुकते नहीं हैं, गुस्सा इनकी नाक पे होता है, ये झुकते नहीं किसी के सामने, लेकिन प्यार में इंसान झुक जाता है, और ये भी झुकने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ना कि जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, वहाँ कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने नहीं रखती है, इस तरह का प्यार है ये। और जो सोल लेवल का कनेक्शन होता है ना, जहाँ इंसान खुद को समर्पित कर देता है, लेकिन इंसान भी उस लायक होना चाहिए जिसके प्रति आप समर्पण कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक तो एटीट्यूड में भरा हुआ है, ईगो में भरा हुआ है, और आपने उसके सामने खुद को समर्पित कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो भी आपके लिए उतना ही पॉजिटिव है, वो भी आपके लिए उतना ही समर्पित है, तब आप उसके सामने खुद को समर्पित करिए, तब वो आपकी इज्जत भी करेगा। अगर वो ईगो में है, आपने समर्पित कर दिया, तो वो 4 दिन बाद आपकी कद्र करना बंद कर देगा, समझ रहे हैं? तो डियर, और ये आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन शायद थोड़ा बहुत आप दोनों के दरमियान फिनेंशियल इशू भी है। हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हो और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहाँ ये, कहाँ मैं, कोई मैच ही नहीं है, और पता नहीं ये रिश्ता आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, सब ठीक तो होगा, सब पॉजिटिव तो होगा, कभी कभी सोचते हैं ये ऐसा, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ये। और देखिए, हमने कहा ना कि अगर फैमिली नहीं मानती है इस रिश्ते के लिए, हाँ, तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं ऐसा, ये सोचते हैं ऐसा, दिन रात आपके बारे में सोचना, आपकी ही बातें करना, आपके ही पिक्चर्स देखना, जैसा कि ये सब कुछ इन्हें बहुत खुशी देता है, ये करते हैं ये। जैसे कि आपके और इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, अगर आप दोनों के फ्रेंड्स होंगे, तो उनसे ये आपकी बातें करते हैं, उनसे आपकी बातें करते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ये सब चीज़ें, मतलब कि दिन रात अभी आप ही आप हो इनके ख्यालों में। तो बहुत पॉजिटिव इंसान है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों इन फ्यूचर ज़रूर एक हों। बस थोड़ा सा क्या है कि आपके जो पर्सन है, ये कभी कभी जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, कभी कभी इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर हो जाती है, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा एक्शन ले लेते हैं कि इन्हें खुद पता नहीं होता है कि इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इधर जो स्ट्रांग साइन है वो
फायर साइन है, और फायर साइन वाले ना कभी खुद के नुकसान के बारे में सोचते ही नहीं है। इन्हें गुस्सा आ गया तो ये किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक, जिसमें सिर्फ इन्हीं को दर्द मिलता है और वो इस दर्द के बारे में नहीं सोचते हैं। इन्हें फिर चाहे कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी रास्ता दिखाए, वो इन्हें नज़र नहीं आता है। लेकिन बस यही इनका एक वीक पॉइंट है। बाकी यूँ समझ लीजिए कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। अगर आप कभी रूठेंगे भी तो ये मना लेंगे और पुरानी बातों को लेकर ये आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, और न्यू बिगिनिंग करने में हमेशा विश्वास रखेंगे कि चलो सब भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं, चलो सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। ऐसा होगा मतलब कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर की तरफ से है, समझ रहे हैं, ईश्वर की तरफ से। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, ये थोड़े सी स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं हमें, क्योंकि इनका जो हार्ट चक्रा है और इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट है। तो ये इंसान हमेशा संतुलन स्थापित करके रखता है खुद के अंदर, समझ रहे हैं, इस टाइप का ये इंसान है। और इनकी तरफ से एक और बड़ी पॉजिटिव सी शायरी है, वो हम आपको सुनाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे मिले, ज़रूरी नहीं है कि इश्क में बाहों के सहारे मिले, किसी को जी भर के महसूस करना भी तो मोहब्बत है। इस तरह का इनका नज़रिया है आपको लेकर। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके साथ फिज़िकली होना चाहते हैं या आपको लेकर वासनाएं मन में रखते हैं, ऐसा नहीं, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा का आत्मा से रिश्ता, और जो रिश्ता आत्मा से होता है ना वही लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, वही लंबा चलता है। लेकिन जिस रिश्ते में वासनाएं होती हैं, जहां एक दूसरे की नीड पूरी हुई, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो हम हमेशा आपको यही सजेस्ट करते हैं और फिर से सजेस्ट करेंगे कि प्रेम वही है जो रूह से हो। शरीर का प्रेम बहुत सीमित होता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, वो कभी भी ख़त्म हो जाएगा। इनकी करंट फीलिंग टोटल यही समझ लीजिए कि बहुत पॉजिटिव है और हर घड़ी आपको याद करते हैं, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं ये, और आपके लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की चाह रखते हैं ये, समझ रहे हैं। अगर इस रिश्ते के बीच कोई भी आएगा तो वो साइड हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये रिश्ता ईश्वर की तरफ से है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आज का नहीं, अनंत जन्मों का है। और जो अनंत जन्मों के रिश्ते होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, ठीक है। और इनकी तरफ से एक चार लाइन की गज़ल है, कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम, कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम, तुमसे जुदा ना हो ये दुआ मांगते हैं हम, कुछ और तो खुदा से नहीं चाहते हैं हम। तो डियर, ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो लोगों के बारे में कहना शुरू कर देते हैं। तो लोगों की परवाह नहीं करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है, अपनी परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, आपकी आत्मा कहे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और आप पॉजिटिव होंगे। तो देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले इनकी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो ऐसी है कि आप लोग सेपरेट हैं, बातचीत नहीं हो रही है, रीज़न थर्ड पार्टी है। कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई अदर पर्सन, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बिखर गया है। मतलब कि शायद आपने या फिर आपके पर्सन ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, हार्ट ब्रेक हो चुका है आपका, दिल टूट गया है आपका, और अब आप कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं,
और अब आप मतलब उस जिंदगी में लौटना नहीं चाहते, और ऐसा ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। अब देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई भी हो सकती है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो लग रहा है ना, वो फैमिली इशू है। मतलब आप दोनों के दरमियान ना फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो। स्पेशली हो सकता है कि इनकी मॉम, आपके जो पर्सन है इनकी मॉम हो सकती है, जो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस रिश्ते के लिए, और वो नहीं चाहती कि आप लोगों का रिश्ता हो, क्योंकि आप दोनों के दरमियान हमें लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी नज़र आ रहा है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी है, और एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है। इशूज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, और फैमिली की वजह से ही आज आप लोग अलग हैं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, आप लोगों की बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हम ये तो नहीं कहते कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है या फिर आपने उन्हें चीट किया है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिए, लेकिन हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग बता रहे हैं कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। समझ रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपकी चाहत का एहसास है उन्हें। आपका जो प्यार था, जिसकी कद्र उन्हें पहले नहीं थी, लेकिन आज आपको खोने के बाद उन्हें उस प्यार की कद्र हो रही है, और इस वजह से वो हर पल आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और वो ये भी कह रहे हैं कि सुनो, तुम बिछड़ गए और हम बिखर गए, मतलब कि तुम नहीं हो जिंदगी में तो अब कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तुम थे तो सब कुछ अच्छा था, तुम नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। सब कुछ बेकार सा लगने लगा है, जैसे कि सब कुछ बिखर सा गया है, कुछ है जो अंदर टूट सा गया है। इस तरह की फीलिंग है आपके पर्सन की। और वो ये भी कह रहे हैं कि किराएदार सी थी तुम्हारी फितरत, किराएदार सी थी तुम्हारी फितरत, कमबख्त, कभी भी पूरी तरह से अपना समझा ही नहीं। ये फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। आप हमें कमेंट करके बताइए कि किसकी गलती है, क्योंकि ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, और हमें दूर दूर तक नहीं लग रहा कि आपकी कोई गलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 of Cups है, जिसमें आपकी ये एनर्जी है, और हम ये देख पा रहे हैं कि आप तो इनके साथ इन फ्यूचर बहुत अच्छी सी हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते थे, बहुत अच्छी सी फैमिली बनाना चाहते थे, बहुत प्यार से जीना चाहते थे। लेकिन ये किसने गलती की है, किसकी वजह से आज आप लोग सेपरेट हैं? आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़े से रूड टाइप के हैं। मतलब कि आपके जो पर्सन है वो रूड हैं, उनका जो बिहेवियर है बहुत रूड है। किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं है, किसी के इमोशंस की परवाह नहीं है, कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो बोल देते हैं, और इस वजह से हर इंसान का दिल टूट सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, और आज ये भी टूटे हुए हैं। आपको ब्लॉक तो करके बैठे हैं, ये आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, फिर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आज इन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, आज इन्हें आपके प्यार की कद्र महसूस हो रही है। और सच तो ये कि कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना, वो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। समझ रहे हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज लियो सजिटेरियस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस थोड़ा सा कम है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी थोड़ा सा कम है। देखिए, हम यहाँ पर बताना तो ये चाहते थे कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, उनके दिल में क्या चल रहा है। ये तो बता दिया हमने कि आप लोग सेपरेट हैं, आपने फिर आपके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, किसी एक ने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत पेनफुल था रिलेशनशिप, तो जिस वजह से भी हो सकता है फैमिली इशू था, कमिटमेंट इशू था, थर्ड पार्टी इशू था, जो भी इशू था, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग सेपरेट है, बातचीत नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा गॉड गाइडेंस देना चाहते हैं, स्पेशली आपके लिए, आप जो रीडिंग देख रहे हैं ना, ताकि आप नेगेटिव ना हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा, और ये जो कुछ भी हो रहा था ना, वो सब नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही हो रहा था। तो हम आपको थोड़ा सा गॉड गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं, आपने कहीं ना कहीं खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है।
आप चाहते बहुत कुछ है पर कुछ कर नहीं रहे हैं। जानबूझकर आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दबा कर बैठे हुए हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि भ्रम से निकलिए, भ्रम से निकलिए, सच्चाई को पहचानिए। बस आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए और आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने में सक्षम होने चाहिए। ईश्वर हर घड़ी आपको बताना चाहते थे इस रिश्ते के बारे में। आज जो भी ये हो रहा है, ये कभी नहीं होता अगर आपने कभी अपने आत्मा की आवाज़ सुनी होती तो। आज आप भी स्ट्रेस में हैं और वो भी स्ट्रेस में हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं था। यहाँ पर हमें पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, पॉजिटिव कार्ड्स बहुत कम आए हुए हैं। अभी दोनों ने फीलिंग्स कंट्रोल करके रखी हुई है, आपने भी, उन्होंने भी, और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो बहुत सारी कंफ्यूजन खड़ी कर दी है इस रीडिंग में। समझ रहे हैं आप लोगों की जो एनर्जी है ना, वो कंफ्यूज करने वाली है कि किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके साथ चीट किया, किसने किया। तो इस वजह से जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, हम इनसे स्ट्रांगली कहेंगे, स्ट्रांगली हम आपसे ये कहेंगे कि कमेंट करके बताइए कि किसने क्या किया था, ये सिचुएशन कैसे आई है, ये परिस्थिति कैसे आई है आपके इस रिश्ते में। आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में हजार तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो होता है वो हमें बेहतरी के लिए होता है। तो अभी फ़िलहाल आप ज़्यादा ना सोचकर डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जो आपके लिए बेस्ट होगा वो ईश्वर अपने आप डिवाइन टाइमिंग पर कर देंगे, लेकिन अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अभी आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, रूड एनर्जी में है, और कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, जिनका रिश्ता थोड़ा सा पॉजिटिव है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं, तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के दरमियान बातचीत बंद हो गई है, सेपरेट हैं, और आप लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर, तो वो हो सकता है कि बहुत जल्द आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे बात करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। तो ईश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं कि जब जो बेस्ट होगा वो हो जाएगा, आप फिलहाल टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको हमें ये बताना है कि आपने जो पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो किसने किसको चीट किया और क्यों ये इंसान आपको ब्लेम कर रहा है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।